नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्राइम अटैच न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गिरीश कुमार, आप देख रहे हैं क्राइम अटैच न्यूज। साकेत थाना क्षेत्र के अंतर्गत खुद को मानवाधिकार आयोग का नुमाइंदा बताकर शराब की देसी दुकान में ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता वंदना अग्रवाल फोनलाइन के माध्यम से सीधा हमसे जुड़ चुकी हैं। चलिए उन्हीं का रुख करते हैं और जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। साकेत थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जी। जो कि संदिग्ध अवस्था में पाए गए हैं जी। पुलिस का कहना है कि वह खुद को मानव अधिकार ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बता रहे थे और इसी बिहाफ पर वे अवैध तरीके से दुकानों से अवैध वसूली कर रहे थे जी। आपने बताया अवैध वसूली कर रहे थे कि मतलब किस तरह की वसूली कर रहे थे? कुछ पैसे की डिमांड करी थी या मोटी रकम या कुछ डरा धमका रहे थे किस तरीके से? हाँ, वह दुकानदारों को डराते धमकाते थे और उनसे पैसों की मोटी रकम वसूल करते थे, वह मोटी रकम की डिमांड कर रहे थे जी। कितने लोग हैं कुल ये आरोपी अगर जिक्र करें तो? 5 आरोपी पाए गए हैं इसमें जी, जिनमें से 2 के पास हथियार थे जी और 3 के पास हथियार नहीं थे। अच्छा, बरामदी की अगर बात करें तो कुछ और भी इनके साथ में जैसे कि बरामद हुआ हो कुछ? हाँ, इनके साथ में एक मारुति इटिगा बरामद हुई है जी, जिसका नंबर है DL 1ZD1023। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? हाँ, ये लोग हैं, इनमें से जैसे 5 बंदे पाए गए हैं, इनमें से एक का नाम है शेषांक जो कि फ्रीडम फाइटर भी हैं और नेतसराय से ताल्लुकात रखते हैं जी। एक है नीरज जो हरकेश नगर दिल्ली ओखला से हैं जी। एक है नितिन जो कि संगम विहार से हैं जी। एक है प्रदीप कुमार जो मॉडल टाउन झज्जर हरियाणा से हैं जी। एक है नरेश जी, जो कि राजस्थान में सवाई माधोपुर से हैं। अच्छा, इनका मुख्य क्षेत्र अगर बताएं तो आरोपियों का इनका मुख्य मतलब घटनाओं का क्षेत्र क्या, मतलब किन जगहों को ये निशाना बनाते थे? देखिए, ये शराब के सरकारी स्थायी जो ठेके होते हैं ज्यादातर उनको अपना निशाना बनाते थे। तो किस तरीके से प्रमुख तौर पर अगर बात करें तो छोटे बच्चों को आधार बनाकर जी उनसे पहले शराब खरीदवाते थे, उसके बाद दुकानदारों से मोटी रकम की डिमांड करते थे। और इन लोगों ने अभी तक जो उनके जुर्म सामने आए हैं, 2 लोगों के सामने आए हैं जिन 2 लोगों को इन्होंने डरा धमका कर पैसे वसूल किए हैं जी। एक तो ये मामला है आपका साकेत का और दूसरा मामला है सैफुल्लाह आपका जी 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 जी। चलिए, 2 मामले अभी इनके सामने आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए फिर से आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।